So now let's see another question. Using determinants, we have to find the value of A if the area of the triangle having vertices A, 0, 4, 0 and 0, 2 is 4 square units. So, हम सबको पता है, सबसे पहले हम determinant वाला formula लिखेंगे. तो let delta equals to what? Half times of x1, y1, 1, x2, y2 and then 1 and then x3, y3 and then 1. All right? सो हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, अगर हम इसको कॉलम टू के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो हमारे ज़्यादा फायदा रहेगा हमें, बिकॉज कंप्यूटेशन हमारी कम लगेंगी यहाँ पे. सो क्यों ना हम इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम टू. सो क्या हमें साइन कन्वेंशन पता है इसके, फटाफट देखिए. यहाँ पे होता है ए 1 2, यानी कि 3 होगा तो माइनस, 2 2 प्लस एंड देन माइनस. सो माइनस प्लस माइनस चलता है, यानी कि ये वाला एलिमेंट नेगेटिव में होगा आपके पास. सो ये हो जाएगा, जीरो से कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो से कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्टली ये वाला एलिमेंट करते हैं हम लोग. सो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वॉट, इस कॉलम को छुपाइए, इस रो को छुपाइए, आपका बचेगा ए 4 1 1. देन ये हो जाएगा दिस इंटू दिस इज ए एंड माइनस में दिस इंटू दिस इज 4. ऑल राइट, सो अल्टीमेटली वी विल गेट वॉट, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा माइनस का ए प्लस का 4. ठीक है, नाउ वी नो दैट, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एक्चुअल में होता है वो होता है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो, बट ये मॉड में होता है और ये होता है स्क्वायर यूनिट्स में. याद रखिएगा, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं है, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है. ऑल राइट, सो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड डेल्टा इक्वल्स टू हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन था. इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड डेल्टा का मतलब माइनस में ए प्लस 4 इज गिवन एज 4. हम सबको पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा भी था इस चीज़ को, कि जब कभी भी मॉड अपने आप को खोलता है तो प्लस माइनस साइन छोड़ के जाता है. सो क्यों ना हम इस सवाल को यहाँ सॉल्व करें. ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस में ए प्लस 4, बिकॉज मॉड ऑल ब्रैकेट हट गया, इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस का 4. सो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस अराइज होंगे, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का. सो केस वन क्या बोलता है आपसे, केस वन आपसे बोलता है माइनस का ए प्लस में 4 शुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 4. और केस सेकंड क्या बोलता है आपसे, माइनस का ए प्लस में 4 शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव 4. ऑल राइट, सो इसको हम सॉल्व करते हैं. सो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का ए इज इक्वल्स टू 0 और माइनस का ए इज इक्वल्स टू माइनस 8. ऑल राइट, सो ए इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0 और ए इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 8. सो ये दो वैल्यूज़ हैं ए की, जहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इन तीनों वर्टिसेस से उसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा. सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए.